अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 63। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक अखबार जहां मैगजीन कवर, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की अखबार वगैरह किसी भी चीज़ का आप कवर कैसे डिज़ाइन कर लेते हो। तो ये ट्यूटोरियल समझने के बाद आप हर किस्म का कवर डिज़ाइन कर सकोगे। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। तो बेसिकली जो मैं कवर फोटो बताऊंगा आपको कौन सा होगा, वो मेरे पास मैंने यहाँ पे एक अखबार जहाँ का एक कवर फोटो मैंने यहाँ पे देखा रखा हुआ है। इस तरह का हम एक कवर फोटो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन करूँ, लेकिन उसमें पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी मैं डिफरेंट लगाऊंगा, ठीक है अखबार। और इसके अलावा मैं इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं काम करूँगा वो मैं ये जो साइड वाली जो पिक्चर्स हैं इनको डिज़ाइन करूँगा। इनको डिज़ाइन करने के बाद मैं ये वाला बैकग्राउंड डिज़ाइन करके इस पर एडजस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। ओपन किया फ़ोटोशॉप को, फाइल ओपन, सॉरी फाइल न्यू फाइल लें, लेटर साइज ले लें, ओके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लें या वाइट बैकग्राउंड लें आपकी मर्जी है, वाइट बैकग्राउंड लेता हूं मैं, ओके। अब सबसे पहले जो काम करूंगा मैं यहां से ये चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूं। तो इसको डिज़ाइन करने का मेथड ये होगा कि मैं यहां से बैकग्राउंड लूंगा, बैकग्राउंड कलर ये वाला लूंगा और ये वाला कलर लूंगा, ओके। ओके तो मैं यहां से सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मेरे पास जो भी है, मैं बिल्कुल कलर मैच करके नहीं लूँगा, थोड़े थोड़े डिफरेंट करके कलर लूँगा मैं, ओके। ऑल बैकस्पेस करके मैं बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने, और इसके ऊपर मैं यहाँ से एक रेंज देता हूँ, यहाँ तक पिंक कलर इसको मैं दे देता हूँ, ओके। आल्ट बैकस्पेस करें, कंट्रोल सॉरी आल्ट बैकस्पेस करें तो ये मेरे पास कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी डिस्प्ले कर लें। यहाँ पे जो टूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको ओपन करता हूँ, लेयर्स नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पे नई लेयर लूँगा। अब लेयर की वजह से, लेयर ना होने की वजह से मैंने गलती कर ली कि मैं यहाँ पे इसको, ओके कंट्रोल डी डिसलेक्ट, नई लेयर लूँगा। नई लेयर पे मैं ले जाके तो मैं यहाँ पे एक रेंज बनाऊँगा, रेंज बनाऊँगा और इसको कलर दे दूँगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से रेंज बनाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बनाऊँगा, कंट्रोल डी सेलेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बनाऊँगा, कलर दे दूँगा इसको ये वाला, कंट्रोल डी डिसलेक्ट नहीं। उसके बाद मैं यहाँ से एक नई लेयर लूँगा। इस लेयर पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स होते हैं, कुछ कस्टम शेप्स में जाऊँगा और यहाँ से कस्टम शेप्स में मैं जाके यहाँ से आल पे क्लिक करेंगे सारी की सारी शेप आ जाएंगी अगर आपके पास नहीं है तो। और यहाँ से मैं एक हर्ट डिज़ाइन करूँगा, ओके डिज़ाइन किया। इस पे जो कलर मैं दूंगा वो कलर होगा जी, पिक्चर में कौन सा है कलर तो कोई नहीं है, और यहाँ पे क्या जी वाइट है, तो आप इसके अंदर वाइट कलर लें पहले, कंट्रोल जेड, ये शेप के अंदर वाइट कलर लेने के लिए आप यहाँ से पैन बकेट टूल लेके इसके अंदर कलर फिल कर लें, क्यों नहीं हो रहा, कस्टम शेप
कलर्स में फिल, कंट्रोल से ये कलर क्यों नहीं फिल हो रहा। चले मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, कंट्रोल डी डिसलेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इस तरह करेंगे आप कि एक नई लेयर बनाएंगे, लेयर बनाने के बाद आप शेप पे क्लिक करेंगे। पहले मेरे पास ये वाला एडजस्ट था, ये सिलेक्ट किया था, इससे क्या होता है कि ना तो रेंज चेंज होती है ना ही कलर चेंज होता है पाथ। तो आप यहाँ से शेप स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से शेप लेंगे और शेप को कलर दे देंगे। तो कलर मैं देता हूँ इसको वाइट कलर देता हूँ, ओके वाइट कलर आ गया। अब दोबारा आप क्या करोगे, इसी के डुप्लीकेट लेने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी, और डुप्लीकेट लेयर में भी कंट्रोल टी प्रेस करोगे, सॉरी पहले आपने क्या करना है कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करोगे, कलर में पिंक की कलर लूँगा, या आप इस तरह कर सकते हो कलर के नीचे यहाँ पे देखें एक रेंज दी होती है। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रेंज दी हुई है हमारे पास कलर की। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस शेप को जो हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है कंट्रोल टी प्रेस करके, तो इसको शेप को कलर देने के लिए आप यहाँ पे जाके और वो पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट करके ओके करें तो वो उस पर आ जाएगा कलर। अब बेसिकली मेरे पास दो शेप्स हैं, तो मैं इन दो शेप्स में क्या करता हूँ, जो पहले वाली शेप है ये वाली दूसरी वाली जो शेप है इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। देखें बैक साइड मेरे पास ऑटोमेटिकली एक रेंज बन गया वाइट। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को मर्ज करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं लेयर में जाऊंगा और यहाँ से मर्ज लिंक करूंगा। लेयर मर्ज हो गई, कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको साइज छोटा करूंगा और इसको मैं थोड़ा मूव कर दूंगा, ओके। अब यहाँ पे देखें यही चीज़ है, यही स्टाइल दिया मैं। अब इसको क्या करें, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी पर राइट क्लिक करके आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ड्रॉप शैडो नहीं ना दें, यहाँ से आपसे दे देंगे बेबल, और कलर यहाँ पे बेबल को कलर भी दें आप। इसको जो कलर दें वो भी आप पिंक ही दें, ओके। साइज बढ़ा दें इसका, डेप्थ कम कर दें, ओके आ गया। अब इसको कंट्रोल टी करके अब यही जो है इसको आप सिलेक्ट करें, हार्ड को प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें और इसको मूव कर दें, ओके जैसे भी है कंट्रोल टी इसको ऐसे मूव कर लें, दूसरे को सिलेक्ट करके अब इस तरह मूव करते जाएं, दूसरे शेप को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी, ओके नेक्स्ट शेप को सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर लें, ओके काफी यहां तक। ये काम किया करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जितने भी शेप्स हैं इन सारी शेप्स को आप लिंक कर दें, लिंक करने के बाद आप इमेज में जाएं, लेयर में जाके मर्ज लिंक पे क्लिक कर दें, मर्ज हो जाएंगे सारी शेप्स, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करके इनको थोड़ा सा स्मार्ट कर दें, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये काम हमारा जी कंप्लीट हो गया। अब मैंने पिक्चर्स ऐड करनी है, तो पिक्चर के लिए फाइल में जाऊंगा ओपन, तो एक पिक्चर ये है मेरे पास, मैं इसको ओपन करूंगा, इसके डबल क्लिक करूंगा, ओके चलिए इसको मैं यहाँ से
मूव करूँगा यहाँ पे। दूसरी पिक्चर भी लूँगा, इमेज में जाता हूँ और दूसरी पिक्चर भी लेता हूँ मैं। फाइल में जाके ओपन, दूसरी पिक्चर है जी ये। कंट्रोल, पहली वाली पिक्चर को कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इसको। दूसरी वाली पिक्चर कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ इसको। पहले वाली पिक्चर को राइट क्लिक करके एम्बोज पे क्लिक करता हूँ, ब्लेडिंग ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और इसे स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक का कलर दूंगा वाइट। ओके, अब जो वाइट कलर मैंने दिया इसका साइज बढ़ा दूंगा, साइज बढ़ गया देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर पे भी ये इफेक्ट कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इस इफेक्ट इसको कॉपी करोगे, इफेक्ट को यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी लेयर स्टाइल और ऊपर वाली पिक्चर पे जाके पेस्ट कर दें, पेस्ट लेयर स्टाइल। अब इसका भी आ गया। अब इसको मैं बेसिकली जो कलर देना चाह रहा हूँ मैं उसको मूव करता हूँ, क्योंकि इसका कलर वाइट ही है बैकग्राउंड, तो इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करके ब्लेडिंग ऑप्शन पर जाऊँगा और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक। यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक करें और इसको कलर दे दें ब्लैक। स्ट्रोक का साइज बढ़ा दें। ओके, तो ये एक पिक्चर डिज़ाइन स्टाइल हमारे पास आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जी स्टाइल आ गया, P48 लिखा हुआ है ब्लू कलर में और उसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए मैंने एन पेज में, मैंने जिसने दुनिया को हिला दिया, मैं यहाँ पे एन पेज में जाता हूँ, वहां से लिखें फाइल में जाएं, न्यू फाइल ने। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जिसने दुनिया दुनिया को हिला दिया। अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस तरह मुझे आज कुछ कुछ लिखते हुए, तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं ये टाइप कर लेता हूँ जो जो चीज़ें मैंने लिखनी है। तो मैं इसको फिलहाल स्टॉप करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया जी। अब मैं यहाँ से इनको स्टाइल देता हूँ, चेंज करता हूँ स्टाइल बिल क्लिंटन का भी और इसका भी, तो इन दोनों का स्टाइल मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, राइटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे अब जाके आप राइटिंग स्टाइल देखें, सिलेक्ट करें, मुझे ये वाला अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल। को यहां से सिलेक्ट करके बोल्ड भी करता हूं, ओके। और ये वाला स्टाइल इसका आ गया, नीचे स्कैंडल का स्टाइल चेंज करता हूं, इसका भी चेंज करता हूं राइटिंग स्टाइल, सही है। और इसका भी स्टाइल चेंज करता हूं, ठीक है। स्कैंडल का जो स्टाइल है ये मैं रखता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे, डेस्कटॉप पे आप
एक्सपोर्ट कर लें इसको, और नाम किस नाम से, एनकैप्सुलेटर पे क्लिक करके सेव कर लें जी, एम ए के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से एम ए ओपन करेंगे, ओके, देखेंगे सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, देख सकते हैं। तो मैं एक एक चीज़ अप्लाई करता हूँ, P48 है सबसे पहले, वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर लें इसको, नो, और यहाँ पे जी P48 कहाँ पे लिखना है, ओके, मैं यहाँ पे एक रेंज बनाता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ यहाँ से वाइट, कलर इसको दे देता हूँ मैं ये वाला, कंट्रोल डी डिसलेक्ट, और यहाँ पे जो स्ट्रोक मैंने अप्लाई किया हुआ है, इस स्ट्रोक को आप ख़त्म कर लें, हाँ बल्कि इस तरह करें ना, ये रेक्टेंगल जो है ना, मैं नेक्स्ट लेयर बना के उस पर देता हूँ, कलर इसको देता हूँ मैं ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट करता हूँ, और टेक्स्ट लिख लेता हूँ पी, पी 48, सेलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मूव कर लें, कंट्रोल टी प्रेस करें, ओके, ये काम कर लिया। अब इसमें यहाँ पे अब जो कुछ लिखना है वो लिखूँगा, एक एक को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, बिल क्लिंटन को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के मैं रेंज ये लेता हूँ, ओके, आप कंट्रोल को प्रेस करके रेंज को सिलेक्ट करें, रेंज सेलेक्ट होगी, कलर दे दें यहाँ से, ओके जी यहाँ पे आ गया, साइज बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म करके आप यहाँ से साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, बिल क्लिंटन, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको भी क्लोज कर लें, नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉमा, तो यहाँ पे आप क्या करें जी, ये कॉमा भी कॉपी करके रख लें, यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, और उठाएं उठा के इसको यहां पे लें, इसका कलर चेंज करें, आल्ट को प्रेस करके इसका कलर भी चेंज कर लें,
आर को प्रेस किया इसका कलर भी, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करें इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसका कलर मैं देता हूँ यहाँ से येलो कलर, आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल टी एंड इसको भी बढ़ा दो। ओके कंट्रोल टी डिसलेक्ट, राइट क्लिक करके इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन करके थोड़ा सा इसे शेडो दे दो ताकि आपको क्लियर नजर आए। ओके नेक्स्ट यहाँ पे जी ये चीज़ आ गई, कॉमा देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिखें, यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ से कॉमा दे दें। ओके कॉमा जो दिया इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। डिलीट करने कोई ज़रूरत नहीं है काम में के, यहाँ पे आप एक और काम कर लें। ये सिंबल डाल लें, निकल लें। ओके कंट्रोल टी कंट्रोल टी ओके। अब नेक्स्ट जो लिखना है वो लिखना है जी यहाँ पे जिसने दुनिया को हिला दिया, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सॉरी मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से इसको रेंज को सिलेक्ट करूंगा, जिसने को पहले सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी डी सिलेक्ट जिसने को पहले सिलेक्ट करूंगा और इसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगा। कंट्रोल जेड कंट्रोल डी सेलेक्ट, जिसने दुनिया को हिला दिया। तीन लेयर अलग अलग से बन गई हैं, इन सबको आप सिलेक्ट करें। पहले वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। जिसने दुनिया को अब सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, ओके राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करता हूँ। ओके जिसने दुनिया को हिला दिया और इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इसको साइज बढ़ा देता हूँ। ओके नेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको भी
ओके, इसको उठा के यहाँ पे रखा, इसको उठा के यहाँ पे रखा और इसको उठा के यहाँ पे रखा। ओके, पहला हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फाइल में जाके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप इसे PNG फॉर्मेट में सेव एस कर लें, सेव एस डेस्कटॉप पे PNG फॉर्मेट में वन के नाम से। ये सेव हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे, देखते हैं टाइम कितना हुआ है हमारा, 26 मिनट हो गए। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और चीज़ें देखेंगे और डिज़ाइन करेंगे, इसमें तकरीबन 2-3 लेसन लग जाएंगे एक मैगजीन डिज़ाइन करते हुए, एक प्रोफेशनल चीज़ है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।